guys, welcome back to our channel. Today I am going to show you fish egg curry. यहाँ पर हमने फिश एग को हॉट वाटर में क्लीन करके अच्छी तरह से नमक और हल्दी मिलाकर रखा है, और उसके बाद मैंने ऑनियन और गार्लिक और जिंजर पेस्ट, एक चम्मच गार्लिक जिंजर पेस्ट, मैगी मसाला और मीट मसाला, ये सब मैं ऐड करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, जो फिश एग का जो मतलब स्मेल रहता है वो ना आए फ्राई करने के बाद, इसीलिए गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके बाद सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, उसके बाद ग्रीन चिली, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फिर मैं अच्छी तरह से ये मिक्स कर लूँगी। अभी मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, वो बड़ा टाइट करने के लिए, मिक्सचर जो है वो टाइट करने के लिए। ये एक मिक्स अब रेडी है, मैं फ्राई कर रही हूँ, बहुत धीरे से फ्राई करना है इसको। देखिए मेरा बड़ा अभी रेडी है। अभी मैं ग्रेवी के लिए कढ़ाई में ऑयल दी हूँ, उसमें ऑनियन, एक अनियन बड़ा सा, और छोटा होगा तो दो अनियन, और बे लीव्स मैंने दिया है। ऑनियन फ्राई होने के बाद लहसुन और जिंजर का जो पेस्ट है दो चम्मच दिया है, गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट। इसके बाद मैं टमाटो ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अभी मैं एक कटोरी में हाफ चम्मच कश्मीरी मिर्च, हाफ जीरा पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, ये पानी के साथ मिक्स कर लूँगी, और हाफ चम्मच हल्दी। अभी मेरा मसाला फ्राई हो गया है, तो मैं ये जो मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया, और इसके साथ अभी पानी दे, जो थोड़ा सा ही पानी दे रही हूँ, और अभी ये दो तीन मिनट तक फ्राई करेंगे। अब नमक ऐड करना है मुझे, और देखिए मेरा मसाला बहुत अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है, तेल निकल कर आया है। अभी मैं जो पोटैटो फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देती हूँ, अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगी। मसाला अच्छी तरह से पक गया है, तो अभी मैं पानी ऐड कर दूँगी, जितना ग्रेवी आप पसंद करते हैं उतना ही पानी ऐड कीजिए। उसके बाद जो बड़ा बनाया था फिश एग का वो दे दूँगी करी के अंदर। अभी गरम मसाला ऐड करूँगी लास्ट में, और फ्लेम को ऑफ कर देना है, और उसके बाद कुछ देर के लिए ढक देना है। देखिए मेरा रेसिपी रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा बना है, और आप घर पे ट्राई कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।